आज की डेट में इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी है? एक तो ओला इलेक्ट्रिक है, दूसरी टीवीएस की आई क्यूब आती है वो है। और ओला ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ओला एस1 प्रो जेन 2 जो कि इनकी जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ टीवीएस का आई क्यूब एस जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग काफी ज्यादा पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुका है। और मेरे पास ओला एस1 प्रो जेन 2 को लेके और टीवीएस आई क्यूब एस को लेके काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि इसके ऊपर एक डिटेलिंग वीडियो बनाओ, हमारे को बताओ कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, हम कौन सा ले सकते हैं अगर हम आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं। तो अब आपकी क्वेरीज हो और मैं सॉल्व ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता, फिर मैंने इसकी डिटेलिंग करना स्टार्ट करी। दोनों की डिटेलिंग करने के बाद मुझे पता चला इन दोनों के अंदर अगर कंपैरिजन करेंगे तो सिमिलरिटीज तो एक दो चीज़ों की आ रही है, लेकिन डिफरेंसेस जो है वो काफ़ी सारे हैं जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ को कवर करता हूँ वो होता है लुक्स का। हालांकि लुक्स आपके माइंड में कुछ और हो सकते हैं कि आपको कुछ और पसंद आए, मुझे कुछ और पसंद आए, तो दोनों के लुक कंपैरिजन करें। तो अभी मैं ओला को भी कह सकता हूँ कि ओला भी अब एक प्रैक्टिकल व्हीकल हो चुका है, क्योंकि जो फ्लैट फुटबोर्ड है, ग्रैब हैंडल है, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अब जो भी ओला एस1 प्रो जेन 2 लेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि पीछे बैठने वाले को घिरने की दिक्कत नहीं होगी और मजबूत ग्रैब हैंडल है। मैंने ओला एस1 एयर का चेक किया है, वो फ्लैट फुटबोर्ड भी काफी अच्छे साइज का है, गैस की टंकी मुझे लगता है आसानी से आ जानी चाहिए। टीवीएस आईक्यूब एस तो पहले से ही समझदार है, वो तो पहले से ही ग्रैब हैंडल और फ्लैट फुटबोर्ड दे रहा था और साथ में ड्यूल सस्पेंशन भी दे रहा था, जो कि ओला ने अभी इतनी सारी जो क्वेरीज आई थी, इतनी सारी कंप्लेंट्स आई थी उसके बाद सुधारा है। तो ये तो है प्रैक्टिकल यूजेस। बाकी ओवरऑल अगर लुक्स देखा जाए तो टीवीएस आईक्यूब एस भी अपनी जगह बेस्ट है और ओला एस1 प्रो भी अपनी जगह बेस्ट है। मेरा पर्सनली बताऊं मैं आपको तो मुझे 70% ओला एस1 प्रो पसंद है, 30% टीवीएस आईक्यूब एस पसंद है, और वो है लुक्स के अंदर। दोनों में अगर बात करें बूट स्पेस की तो ओला एस1 प्रो के अंदर आपको 34 लीटर का मिलता है, टीवीएस आईक्यूब एस के अंदर आधा मिलता है, 17 लीटर का ही। दोनों में ही आपको 12 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, तो फ्रंट के अंदर तो दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन रियर की बात करें तो ओला एस1 प्रो के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, लेकिन टीवीएस आईक्यूब एस के अंदर आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक। दोनों में जो सिमिलरिटीज है ना उसके लिए इंतजार करना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के अंदर अगर हम मोटर की बात करें तो टीवीएस आईक्यूब एस ऑफर करता है हब मोटर, ओला एस1 प्रो जेन 2 ऑफर करता है इनकी न्यूली बिल्ड मिड ड्रिव मोटर जिसकी पीक पावर है 11,000 वॉट की, और सेम पीक पावर वाला टीवीएस भी अनाउंस कर चुका है अपना स्कूटर जिसका नाम है टीवीएस एक्स, जिसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। पर टीवीएस आईक्यूब एस के अंदर जो हब मोटर है उसकी पावर है 4,400 वॉट की। ओला एस1 प्रो के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, टीवीएस आईक्यूब एस के अंदर 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। फिर बात आती है बैटरी की, तो बैटरी में क्या डिफरेंसेस है, तो बैटरी में बिल्कुल डिफरेंसेस है और डिफरेंस छोटा नहीं है, पूरे 1 किलोवाट आर का डिफरेंस है। टीवीएस आईक्यूब एस के अंदर जैसे आप सबको पता है 3 किलोवाट आर की बैटरी मिलती है, ओला एस1 प्रो जेन 2 के अंदर आपको मिलेगी 4 किलोवाट आर की बैटरी। अब बैटरी में डिफरेंस है तो रेंज में भी डिफरेंस होगा, और रेंज में तो दिन रात का डिफरेंस है। पर रेंज के पीछे की एक और सच्चाई है जो मैं भी आपको और आगे क्लियर करने वाला हूं। रेंज में दिन रात का डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ओला क्लेम कर रहा है 195 किलोमीटर की रेंज, टीवीएस क्लेम कर रहा है 105 किलोमीटर की रेंज, हो गया ना लगभग डबल का डिफरेंस। पर 1 किलोवाट आवर बैटरी पैक बढ़ने पे इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि कार वेट तो दोनों में लगभग सिमिलर है। तो देखो कहीं ना कहीं ओला की तरफ से जो रेंज बताई जाती है वो रियल वर्ल्ड में आके सेम नहीं मिलती है, काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ओला एस1 प्रो की अगर रियल वर्ल्ड रेंज में मानता हूं तो वो जाएगी 155-160। पर टीवीएस आईक्यूब एस के साथ क्या है कि जो टीवीएस क्लेम करता है लगभग वही रेंज आपको देखने को मिलती है, तो हाँ 100 किलोमीटर या फिर 95 किलोमीटर तक आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। और दोनों की टॉप स्पीड की बात करें तो ओला एस1 प्रो नो डाउट इंडिया का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चुका है, 120 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड पे ये भाग सकता है। वहीं टीवीएस आईक्यूब एस 78 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड ही इसकी अभी तक बताई गई है, और मैंने चला के देखा है हाँ इतनी ही मिलती है। अगर बैटरी डाउन होती है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है टॉप स्पीड में। अब बात आती है स्मार्ट फीचर्स की, ओला इलेक्ट्रिक जो है स्मार्ट फीचर्स में 1 है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी सारे फैंसी फीचर्स ऑफर करता है, जैसे पार्टी मोड हो गया, जो आप कॉन्सर्ट मोड में आने वाला है आप वहाँ पे गाने बजा सकते हो, फिर डिस्प्ले आपको फ्यूचरिस्टिक टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 3 मोड्स अभी तक है, मूव एस 4 के अंदर 4th मोड्स आने वाला है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, एडवांस रीजन देखने को मिल जाता है, थिप डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा आपको, और भी काफी सारे ढेरों फीचर्स है जिस उसके लिए आप मूव एस 4 वाला वीडियो देख सकते हो जो कि आई बटन पे आ रहा है। तो ये तो हो गए ओला के स्मार्ट फीचर्स। टीवीएस के अंदर भी आपको सारे स्मार्ट फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन टच डिस्प्ले नहीं मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, बाकी आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन और आपको एक डॉगल मिल जाता है जिससे आप सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन का फीचर आपको टीवीएस में भी मिल जाएगा, ओला में भी मिल जाएगा। अब एक जो सिमिलरिटीज है वो है दोनों की प्राइसिंग लगभग सिमिलर है। टीवीएस आईक्यूब एस का एक्स शोरूम प्राइस है 142,000 143,000 के आसपास,
ओला S1 प्रो का जो Gen 2 है उसका एक्सोरूम प्राइस है 147,500 के आसपास, 4-5 हज़ार रुपये का फर्क हो गया ना, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। ऑन रोड में भी यही फर्क आएगा, फिर आप इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी सिटी में रहते हो। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को और आपको बताता हूँ देखो अब आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ओला की तरफ से सर्विस इशूज़ काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे लोग सर्विस इशूज़ फेस कर रहे हैं, तो ओला की सर्विस अभी तक इतनी बेहतर नहीं हुई है जितनी कि TVS की बेहतर हो चुकी है। सर्विस में TVS ज़्यादा अच्छा है ओला के कंपैरिजन में, और TVS के अंदर आपको चाबी वाला फीचर मिलता है। तो अगर आपको की वाला फीचर चाहिए और एक भरोसेमंद कंपनी का स्कूटर चाहिए तो TVS है, क्योंकि पुरानी कंपनी है। और अगर आप फैंसी फीचर्स और स्मार्ट फीचर, ज़्यादा रेंज चाहिए, फास्ट स्कूटर चाहिए, तो ओला S1 प्रो पे आप जा सकते हो। आप कमेंट में मुझे ये जरूर बताना आप कौन सा स्कूटर चूज करने वाले हो इन दोनों में से ही। और फिर भी आपके कोई डाउट रह गए तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, ओके बाय।